तो गाइस अभी हम हैं सुल्तानगंज के पुरानी घाट पे और देख सकते हैं यहाँ पे किस तरह से यहाँ पे सुविधा किया गया है सावन के अवसर पे, क्योंकि सावन आने में कुछ ही दिन बाकी है और उसके तैयारी में यहाँ पे देखते हैं साइड पे देख सकते हैं यहाँ पे खंभे गाड़े गए हैं, क्योंकि उससे अगर आगे जाएंगे तो उससे आगे ज़्यादा पानी है, उसमें डुबाव है तो आदमी सब डूब भी सकता है, तो उसी के सुविधा के लिए यहाँ पे लगाए गए हैं बाउंड्री। यहाँ पे देखते हैं यहाँ से लेकर के वहाँ तक बाउंड्री लगाए गए हैं और यहाँ पे देख सकते हैं ज़्यादा कादो होने की वजह से यहाँ पे गीला हो जाता है, तो इसके वजह से यहाँ पे बोरी लगाएंगे कि ये धंसे ना, क्योंकि जाने ज़्यादा होने के बाद यहाँ पे ठेप चलने के बाद यहाँ पे धसना गिरने लगता है। तो आइए, और काम अभी चल ही रहा है, आगे आप सबको दिखाते हैं, तो देख सकते हैं और यहाँ पे आप सब। तो गाइस देख सकते हैं ये मंदिर के सामने वाला घाट है, जैसा कि वो रहा आज गविनाथ मंदिर, और यहाँ पे देख सकते हैं सामने घाट है और यहीं पे जो पूरा फास्ट में काम चल रहा है, इधर दो दिन पहले आए थे तो ये सब नहीं था, लेकिन अब जो कि है देख सकते हैं बहुत कुछ यहाँ पे बदलाव आ चुका है। और यहाँ पे देखने ऊपर पे बहुत सारे आप सबको दुकान मिल जाएंगे, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है। अभी मैं आप सबको दिखाने वाला हूँ, यहाँ पे एक हंस है जो कि यहाँ पे गंगा जी में नहा रहा है, उसको मैं आप सबको दिखाने वाला हूँ। देख सकते हैं यहाँ पे देख सकते हैं एकलौता हंस है और जो कि देख सकते हैं मस्ती से एकदम गंगा जी में नहा रहा है, और देख सकते ये किस तरह से एकदम बोलेगा, देख सकते किस तरह से ये बोल रहा है। और गाइस यहाँ पे चौकी वौकी भी लगा हुआ है और ये पे बोरा, और यही बोरा में यही बालू मतलब यही मिट्टी भर के इसमें जो कि ये साइड लगाया जाता है। तो गाइस चलिए चलते हैं, आप सबको दिखाते हैं जहाँ पे काम हो रहा है, तो आइए वहाँ पे देखते हैं, वहाँ पे बुलडोजर से जो कि मिट्टी को बराबर किया जा रहा है घाट के मिट्टी को, तो चलिए आप सबको दिखाते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं किस तरह से बराबर किया गया है मिट्टी, देख सकते हैं यहाँ पे, और ये सब जो मिट्टी बराबर किया गया वो उस गाड़ी की मदद से किया गया है, जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूँ खंभा जो कि है वहाँ पे गंगा किनारे गाड़ा जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं किस तरह से मिट्टी को उधर से इधर लाया जाता है, देख सकते हैं, और यहाँ पे अभी मिट्टी गिराने वाले हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं मिट्टी गिराने वाले जहाँ जहाँ गड्ढा होता है वहाँ पर मिट्टी देते हैं, और जहाँ पर ज़्यादा ऊँचा रहता है उसको काट करके बराबर करते हैं। और यहाँ पर भी देख सकते हैं दुकान है, और यहाँ पर लाइट का सुविधा दिया हुआ है, और देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे लाइट वाइट लगे हुए हैं, और जैसा कि आप सबको दुकान दिखा दिया, और यहाँ पे आप सबको दिखाते हैं किस तरह से इस पोल को वहाँ पे गाड़ा जाता है, देख सकते हैं वहाँ पे गाड़ रहा है। तो चलिए चलते हैं और देख सकते हैं चौकी वोकी उठा के यहाँ पे साइड किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो कि न्यू घाट का निर्माण किया जा रहा है यहाँ पे। और सामने देखते हैं एक मस्जिद है वहाँ पे, अभी वहाँ पे पहली बार मतलब कभी नहीं गए हैं, लेकिन वहाँ अगर जाने की सोच रहे हैं तो अगला ब्लॉग उसी का होगा। तो गाइस ये जो लकड़ी देख रहे हैं, ये लकड़ी जो कि देख सकते हैं उस तरह से एकदम लाइन जैसा कि वहाँ पे गाड़ा जाएगा, और किस लिए गाड़ा जाएगा, क्योंकि वहाँ उससे आगे जो कि है श्रद्धालु लोग जो कि आएंगे स्नान करने के लिए वो उससे पार नहीं जा सके, क्योंकि बहुत सारे लोग को तैरना नहीं आता, जिसके वजह से वो ज़्यादा पानी में चले जाते हैं और वहाँ पर डूब जाते हैं, तो इसी वजह से वो सब जो कि है यहाँ पर इसका दे दिया है कि ताकि उससे आगे नहीं जा पाए। अगर जो आगे जाएगा उसके लिए वहाँ पर रहेगा अलग सुविधा, क्यों, और उसके लिए ट्रिमर रहेगा जो कि उसको बुलाएगा उसको भगाएगा वहाँ से। और यहाँ पे देखते हैं किस तरह से गाड़ा जाता है एक वह खंभे को, देखते हैं लॉक लगा हुआ, और लॉक से वहाँ लॉक के सहारे यहाँ पे मशीन चल रहा है, और मशीन से नीचे सुराग किया जाता है, फिर उस खंभे को जो कि उस सुराग में डाला जाता है, जैसा कि यहाँ पे आप सबको दिख रहा होगा। और जस्ट ऊपर पे देख सकते हैं बहुत सारे श्रद्धालु लोग जो कि है स्नान कर रहे हैं और यहाँ पे देखते हैं मशीन अलग ही चल रहा है जो कि बराबर करने में लगे हुए हैं, और जो कि सभी को बराबर कर रहे हैं, यहाँ पे देख सकते हैं किस तरह से जो कि है ज़मीन को बराबर कर रहे हैं सभी। और ये जो मिट्टी सभी जमा होते हैं, ये जमा होने के बाद जो कि है मिट्टी को लेके जाते हैं और जहाँ पे गड्ढा होता है वहाँ पे डाल देते हैं। तो इसी तरह से यहाँ पे सुल्तानगंज में काम चल रहा है, और जो कि काफ़ी जोरों से काम चल रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे देखते हैं बहुत सारे यहाँ पे देखे श्रद्धालु सब हैं, और यहाँ पे देखते हैं बहुत सारे आप सबको मिलेंगे डिब्बा, और जिससे यहाँ पे पान प्रसाद जो कि है यहाँ पे आप सबको मिल जाएगा, इसी से होकर के आप ले के आप वहाँ पे बाबाधाम मंदिर में आप चढ़ा सकते हैं। और वहाँ पे देखते हैं ध्वज किस तरह से लहरा रहा है वहाँ पे, और देखते हैं यहाँ पे भी छोटा मोटा दुकान अभी बहुत सारा खुल चुका है, और यहाँ से भी आप अपना सामान ले सकते हैं। बहुत सारे श्रद्धालु लोग जैसा कि आए हैं, सभी जाएंगे बाबाधाम ही, और देख सकते हैं लेकिन सावन आने में भी बहुत टाइम है, लेकिन फिर भी यहाँ पर लोग जो कि है सभी जा रहे हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से लोग नहा रहे हैं, और यहाँ पर और देखते हैं यहाँ पर थोड़ा कम ही पानी है, लेकिन फिर भी लोग नहा रहे हैं, और वहाँ पर देख सकते हैं बहुत कुछ, और यहाँ का व्यू, और काफ़ी सुंदर यहाँ का व्यू है। यहाँ पे आने के बाद लगता है कि हाँ एक्चुअली में घाट में आ चुके हैं, और यहाँ पे सभी बम लोग हैं। सावन स्टार्ट होने से पहले इतना भीड़ है, और सावन स्टार्ट होने के बाद तो यहाँ पे जगह ही नहीं मिलेगा आप सबको यहाँ पे कहीं भी कदम रखने का। और यहाँ पे देखते हैं सामने जो कि वो पुल है उसका भी निर्माण हो रहा है धीरे धीरे। तो आई होप ये ब्लॉग, तो गाइस इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, आई होप ये ब्लॉग आप सबको अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ जाते जाते एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर जाएं। तो मिलते हैं किसी और नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।